नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर आज शाम यात्री ट्रेन पटरी से उतर गया। इस हादसे के चलते यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में दुर्घटना, सारण रेलवे का बचाया गया और फिर मौके पर पहुंची रेल ट्रेन में बमुश्किल डिब्बे को पटरी में लाने की कवायद शुरू कर दी। इधर रेलवे ने इस घटनाक्रम को लेकर जाँच के आदेश जारी कर दिए हैं। आखिर कैसे डिब्बा पटरी से उतरा? जानकारी के मुताबिक जबलपुर कंट्यूबर ट्रेन यात्रियों को लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकली ही थी कि आगे जाकर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गया। सूचना मिलने के बाद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और देखा कि आखिर कैसे हादसा हुआ। हालांकि रिलीफ ट्रेन ने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। घटना के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4, 5 पर ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया है, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 6 में ट्रेनों को निकाला जा रहा है। अधिकारियों के साथ जबलपुर रेल मंडल के DRM संजय विश्वास भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यात्री ट्रेन का पहिया पटरी में कैसे नीचे उतरा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में 13 डिब्बे लगे हुए थे और सभी में यात्री सवार थे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भाई आ गई ना, फटाफट तुम निकाल के यहाँ दो दिन डालना पड़ेगा। एक्चुअली अभी हमारा एक ट्रेन था जो 17 बजे डिपार्चर करने वाला था मुंबई के लिए, ना बांद्रा के लिए। तो उसका एम्प्टी रेक जब हम प्लेस कर रहे थे तो उसका 2 कोच डिरेल्ड हुआ है और उसको रीशेड्यूल करना ज़रूरी हो रहा है। बाकी हम लोग इफेक्ट हो रहा है प्लेसमेंट में, प्लेटफॉर्म 3, 4, 5 में प्लेसमेंट अभी तक रुका हुआ है जब तक ये कोच रिरेल ना हो जाए और लाइन फिट हो ना जाए। बाकी हमारा 6 नंबर और 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म खुली हुई है, तो उससे जो भी हमारा नॉर्मल ट्रेन का मूवमेंट है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे ट्रेन जो है नॉर्मली अपना टाइम में चले। सर, कल भी एक गाड़ी क्या कारण? अभी उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इंक्वायरी हो रहा है। अभी इंक्वायरी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इंक्वायरी जैसे हो जाएगा आपको पता लग जाएगा क्या हुआ था। यात्री नहीं होते, एम्टी कोच है प्लेसमेंट के लिए। यात्री का नुकसान मतलब अभी हम लोग मैसेज कर दे रहे हैं सारे यात्री जिसमें इस ट्रेन में ट्रेवल करने वाला है, तो रात को 21 बजे रिशेड्यूल हो जाएगा, उनको खबर पहुँच जाएगा SMS के माध्यम से, ताकि वो अननेसरी स्टेशन में ना आए या जो भी आ चुके हैं घर चले जाए। अगर जहाँ जहाँ क्लेम करना चाहते हैं, अपना कैंसिल करना चाहता है, तो उसको तो ऐसे रिफंड मिल ही जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।